कौन से मुख्य घटक हैं जो हर महिला में ब्रेस्ट डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है? एस्ट्रोजन थेरेपी सभी लेती हैं, बट किसी का बहुत अच्छा आ जाता है, किसी का नहीं आता है, तो ऐसे वो क्या कारण है? देखो उसमें क्या होता है, एक तो जैसे एज वाला फैक्टर तो हमने डिस्कस किया ही है, जिसको हम बोलते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी एज पर द एज, एज यंगर द एज बेटर द रिजल्ट्स। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे एस्ट्रोजन या कोई भी हार्मोन होता है उसमें दो चीजें होती है, जैसे ये एक तो रिसेप्टर होता है और एक लाइगेंड। लाइगेंड का मतलब ये हार्मोन है हमारा और ये रिसेप्टर है, ये चाबी है, ये ताला है, चाबी ने ताले को खोल दिया, तो आगे जो है बाकी असर उसका दिखता है हमारे को, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स उसके आते ही। तो रिसेप्टर डेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है, अगर रिसेप्टर डेंसिटी ज्यादा है तो इवन हम लो डोज में भी दे रहे हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। नंबर एक, तो रिसेप्टर डेंसिटी अगेन वो किस पे डिपेंड करती है, वो जेनेटिक्स पे डिपेंड करते हैं, जेनेटिकली किसके रिसेप्टर डेंसिटी कितनी, इसको हम इसी तरह से कंसीडर कर सकते हैं जैसे हर इंसान की बॉडी पे हेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो, किसी की बॉडी पे गहरे बाल होते हैं, किसी की बॉडी पे हल्के, तो हेयर फोलिकल का डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, इसी तरह से हॉर्मोन का एक्शन एस्ट्रोजन के रिसेप्टर की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, पहली चीज तो। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि उसके अगेंस्ट में, हॉर्मोन के अगेंस्ट में काम करने वाले हॉर्मोन का लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम एस्ट्रोजन भी साथ में हमने लिप्रोलाइड या जो टेस्टिकुलर हार्मोन्स हैं उनके लेवल को कंट्रोल नहीं किया तो भी हमारे को रिजल्ट तो अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि एस्ट्रोजन की डोज हम ज्यादा भी देंगे तो काउंटर हार्मोन जो उसके असर को कम करने वाला हार्मोन है वो तो बॉडी में सर्कुलेट कर ही रहा है, तो अके रिजल्ट आर बेटर व्हेन आइदर सर्जिकल और मेडिकल गोनाडेक्टोमी इज डन, मींस या तो ऑपरेशन से या फिर जो हॉर्मोन से टेस्टिस का जो फंक्शन है उसको बंद या कम कर दिया गया है, तो उस केस में रिजल्ट्स हमारे को अच्छे मिलते हैं। तीसरी चीज न्यूट्रिशन वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये तीन चार मेजर फैक्टर हैं जिनको हम कहते हैं कि इन पे डिपेंडेंट होता है हमारा रिस्पॉन्स, और इसीलिए हर इंसान का रिस्पॉन्स थोड़ा सा। फिर अगली बात एडहेरेंस टू थेरेपी, मतलब कौन कैसे निभा के गोली खा रहा है, मींस इफ समबडी इज टेकिंग रेगुलरली दिस हार्मोन पिल देन द रिजल्ट्स आर गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम, इफ समबडी इज प्लेसिंग द पिल्स इन बिटवीन, सपोज समबडी इज टेकिंग 15 days then stopping it, बंद कर दिया ले लिया, बंद कर दिया ले लिया, तो उस वजह से रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है।